धाय माता पन्ना। मेवाड़ में राजा सांगा नामक एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कर्णावती था। उनके पुत्र का नाम उदय सिंह था। जब उदय सिंह का जन्म हुआ तो सारे राज्य में खुशी छा गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इससे रानी कर्णावती को गहरा आघात लगा। अत्यंत दुख के कारण वो बीमार रहने लगी। इससे राजपूत सरदारों को बहुत चिंता हो गई। वो यही सोचने लगे कि राजकुमार उदय सिंह अभी बहुत ही छोटे हैं। जब तक वे बड़े नहीं हो जाते तब तक इस मेवाड़ का राज्य कौन संभालेगा। काफी विचार विमर्श के बाद राजपूत सरदारों ने राणा सांगा के एक दूर के रिश्तेदार बनवीर को मेवाड़ के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने का निश्चय किया। इधर रानी कर्णावती की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। रानी को लगा कि अब वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं बचेंगी, इसलिए उन्होंने अपनी विश्वस्त दासी पन्ना से कहा, देखो मेरी मृत्यु निकट है, मेरा बेटा उदय आज से तेरे ही भरोसे है, तू ही इसकी थाय माता है, तू इसे अपना पुत्र समझकर पालना। इतना कहते कहते रानी कर्णवती हाँफने लगी। पन्ना ने उन्हें पानी पिलाया। थोड़ी राहत मिलने पर रानी कर्णावती ने पन्ना से कहा, मेरा बेटा उदय मेवाड़ का भावी राजा है, जब तक ये शासन संभालने के योग्य नहीं हो जाता तू इसका पालन पोषण बहुत ही सावधानी से करेगी, इसका मुझे वचन दे। पन्ना की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, रानी माँ मैं सौगंध खाती हूँ, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमार की रक्षा करूंगी, भगवान तुम्हारा भला करे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर रानी स्वर्ग से धार गई। पन्ना उदय का पालन पोषण अपने पुत्र की भांति ही करने लगी। अपने पुत्र और उदय सिंह में कोई भेदभाव नहीं करती थी। मेवाड़ राज्य का प्रबंधक बनवीर बड़ा ही क्रूर और घमंडी था। उसने सोचा, जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो मेवाड़ का राज्य उसको मिल जाएगा। यदि उदय सिंह जीवित ही न रहे तो मेवाड़ का राज्य सदा के लिए हमारा ही रहेगा। हमें उदय सिंह को किसी भी तरह अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। पन्ना भी कम चालाक ना थी। उसे भी बनवीर के इरादे की खबर थी। उसने अपने कुछ विश्वसनीय आदमी लगा रखे थे। एक रात बनवीर पन्ना की घर की ओर चला। उसे आते हुए पन्ना के एक विश्वस्त आदमी ने देख लिया। उसने तुरंत पन्ना को इस बात की खबर दे दी। आने वाली मुसीबत का ख्याल आते ही पन्ना कांप उठी। समय कम था। उसने उदय सिंह के शरीर से शाही कपड़े उतार कर अपने पुत्र को पहना दिया और उसे उदय सिंह की पलंग पर सुला दिया। उसने राजकुमार उदय सिंह को एक टोकरी में रखकर फूल पत्तों से ढक दिया और एक विश्वस्त नौकर को देते हुए बोली, इस टोकरी को तू ले जा और गणेश मंदिर के पास खड़ा रह, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। नौकर टोकरी लेकर बाहर चला गया। इतने में बनवीर वहां आया, तलवार निकालकर जोर से चिल्लाया, उदय सिंह कहाँ है। भय से कांपती पन्ना ने उदय सिंह के पलंग पर सोए अपने पुत्र की ओर इशारा कर दिया। बनवीर ने बिना कुछ सोचे समझे उस बालक को तलवार के एक ही वार से मार डाला। इसके बाद पन्ना को धमकी दी, खबरदार यदि तूने इस हत्या की बात किसी को बताई तो ठीक ना होगा। अपने बच्चे की हत्या से पन्ना का हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन उसने अपने कलेजे को कठोर किया। बालक की लाश कपड़े में ढक कर तुरंत गणेश मंदिर तक पहुंच गई। नौकर के हाथों से उदय सिंह को ले लिया और बोली, बनवीर ने मेरे बेटे को उदय सिंह समझकर मार डाला है, तुम जाकर मेरे बेटे की अंत्येष्टि करो। पन्ना रात के अंधेरे में उदय सिंह को लेकर एक छोटे से राज्य में पहुंची। वहां के राजा असासा बहुत ही दयालु थे। पन्ना ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और उदय सिंह की रक्षा
और पालन पोषण करने की विनती की। असा शाह ने उदय सिंह का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। संतुष्ट होकर पन्ना मेवाड़ लौट आई। समय बीतता गया। बनवीर का अत्याचार लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय पन्ना ने उदय सिंह के जीवित होने की घोषणा कर दी। उसने राजपूत सरदारों से कहा, असा शाह के राज्य में उदय सिंह का पालन पोषण हो रहा है, जाओ उसे लाकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठाओ। बनवीर को इस बात का पता चला तो वो चिल्ला कर बोला, उदय सिंह वो कहां से आएगा, उसे तो मैंने परलोक पहुंचा दिया था। पन्ना बोली, मूर्ख बनवीर, वो मेरा बेटा था। रानी माँ को दिए गए वचन के कारण मैंने उदय सिंह की जिंदगी बचाई थी। बनवीर को जेल में डाल दिया गया और उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। मेवाड़ के राजपूतों ने कहा, पन्ना तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी राजभक्ति और तुम्हारा बलिदान भी धन्य है। तुम्हारी जैसी माताएं ही राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं।